एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आजकल क्या क्या आज क्वेश्चन क्या क्या करने हैं। ओके, देखो ये आपको मैडम दिख रही है, ऐसी मैडम आपको अनअकैडमी पे भी दिखती है। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो तो आप जाके सुष्मिता त्रिपाठी सर्च करना और फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, ठीक है। फॉलो करने से आपको जितनी भी क्लासेस होती है इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है। 10:30 बजे सुबह प्लस की क्लास चल रही है, 2:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स रिवीजन होती है और रात के 10 बजे एमसीक्यू होता है, ठीक है। ये हम लोग पिछले 6 महीने का कर रहे हैं, ये पिछले 8 महीने का कर रहा है। अभी ये अप्रैल का एक पार्ट हुआ है और इसमें हम लोग मई तक कम्प्लीट कर चुके हैं, अब जून शुरू हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा 10:30 बजे प्लस की क्लास है जिसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हैं, 2:30 बजे और 10 बजे, 2:30 बजे दोपहर में, रात के 10 बजे में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स। यहाँ पे थ्योरी होता है और यहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं। ओके, चलो तो ये तो मेरी हो गई क्लास अनअकैडमी की। यूट्यूब आपको पता है अभी हो रही है और इसके अलावा एक शाम में होती है 5 बजे। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी तो फटाफट जाकर के फॉलो कर लो अनअकैडमी पे। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, मेरे कोर्सेज और मेरे साथ बाकी के कोर्सेज, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो सुष्मिता10। अगर इसको यूज करोगे तो 10% ऑफ मिलता है, ठीक है। बैंक की एक साल की फीस आपकी 5400 होती है, साथ ही साथ में सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द चैप्टर, टू द क्वेश्चन, और देखते हैं आज का सेशन हमारा क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब हुआ है, 6 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या फिर कुछ भी नहीं। किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये पहली बार अभी ऑब्जर्व किया गया है इस बार, ठीक है। इसके अलावा एक और दिन पहली बार ऑब्जर्व किया था जब आप लोग सितंबर देखोगे, सितंबर थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहा है इस बार डेज को लेकर के, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था केवल यही था, 9th को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे जो है इस बार मनाया गया था, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वॉज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। ये आपका 9th था, लेकिन जो आपसे पूछा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये आपका 7th को हुआ था, ठीक है। और इसका जो इस बार का थीम था, थीम क्या था आपका, क्लीन एयर फॉर ऑल, ठीक है। थीम क्या था आपका, क्लीन एयर फॉर ऑल, ये आपका इस बार का थीम था। ध्यान रखिएगा, ये अच्छी क्वेश्चन बन सकती है क्योंकि ये पहली बार मनाई गई थी। 5 सितंबर को हर साल हम लोग के वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स डे होता है, एस राधा कृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अच्छा, मैं ये कहूँगी ये भारत में होता है, लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल टीचर्स डे या वर्ल्ड टीचर्स डे की बात कर लें तो ये 5th ऑफ अक्टूबर को होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, जैसे 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इसी तरह से 9 सितंबर को भी एक दिन पहली बार मनाया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है 9 सितंबर को क्या मनाया गया था, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है बच्चों। खैर, अभी हम लोगों ने क्या बात करी, अभी हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे वहां पर इंटरनेशनल टीचर्स डे या वर्ल्ड टीचर्स डे होता है ये हर साल कब मनता है, ये हर साल आपका 5 अक्टूबर को मनता है। हो सकता है आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इस बार का आपका थीम क्या था, किसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है टीचर्स डे के थीम के बारे में, क्योंकि ये एक दो दिन पहले की न्यूज है, ज्यादा पुरानी इतनी हुई नहीं है। एक बार फटाफट बताना व्हाट वाज द थीम, इफ एनीवन हु रिमेंबर्स तो फटाफट बताते चलो व्हाट वाज द थीम, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखे रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि बताता है स्पीकर और ड्यूटी ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल होता है जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बताता है, ठीक है। जो हम लोग बात करते हैं तो दैट वुड बी आर्टिकल 93 जो कि बेसिकली किसके बारे में बताता है, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब आप लोगों का आज का होमवर्क है, आप लोग लिखोगे आर्टिकल 91, 94 और 90 में क्या बताता है, ओके, ये आप सभी लोग लिख के लाना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो दंदन द्वारा लिखा हुआ था, मिताक्षर, मृष्कृतिकम, जगदशना या दसकुमार चरित, ओके। ध्यान से करिएगा आंसर, आराम से करना, बस देखना सही करो गलत ना करो, ध्यान से करते करते कई बार हम लोग गलत भी करने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये ना होना चाहिए। देखो जब मैं आपसे बात करती हूँ मिताक्षर, ठीक है, मिताक्षर किसने लिखी थी जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, यज्ञवल्क्य, ओके, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा वेयर्ड होता है, यज्ञवल्क्य, ओके। फिर मैं आपसे कहती हूँ मृच्छकटिकम किसने लिखी थी जल्दी जल्दी बताओ, मृच्छकटिकम किसने लिखी थी, ठीक है, ये एक प्ले है सुधराग द्वारा, ये ऐसे आपसे पूछेगा ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दसकुमार चरित, ठीक है। चलो
अगला देखो, सी ए आर में ए से क्या होता है? ये बैंकिंग के रेफरेंस में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सी ए आर में ए से क्या होता है? अमाउंट, एसेट, एडिक्वेसी या फिर कुछ भी नहीं। देखो, सी ए आर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एडिक्वेसी, ठीक है। पूरा मतलब क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये आपका सी ए आर होता है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वॉट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? तो इसका मतलब होता है कि जितने भी ऐसे बैंक्स होते हैं, अगर इन बैंक्स पे किसी भी तरीके का रिस्क होता है, कैसा रिस्क हो सकता है बच्चों? लोन दिया है, लोन वापस नहीं आ रहा है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही है, पैसे लगाए हैं डूब गया, तो जो भी रिस्क होता है, इन सभी रिस्क से बचने के लिए ये लोग कुछ अपने वहां से पैसे जमा करते हैं, यानी कि सेव करते हैं कुछ मनी। और ये जो पैसे जमा करते हैं अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए, इसको कहा जाता है सी ए आर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ए से क्या हो जाएगा आपका? ए, एडिक्वेसी, ठीक है। चलो अगला देखो, कौन सा केमिकल नेम होता है विटामिन के का? स्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनॉन या फिर कोलेल्सिफेरॉल? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, स्कॉर्बिक एसिड तो यार बहुत ही दो कौड़ी का सवाल हो गया। विटामिन सी, ये कई बार हम लोग किए हैं, ठीक है। जब मैं आपसे कहती हूँ टोकोफेरॉल, ठीक है, जब मैं आपसे कहती हूँ टोकोफेरॉल, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली केमिकल कंपाउंड हो जाता है, विटामिन ई एक्टिव होता है, नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कोलेल्सिफेरॉल की, बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका? काइंड ऑफ विटामिन थ्री, विटामिन D3, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था विटामिन के, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिलोक्विनोन, ठीक है। एक बात बताओ, ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है? जल्दी जल्दी आंसर करो, ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है? फिर देखो, पहले पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था? 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57 या फिर कुछ भी नहीं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा है क्या कि इसके पहले कोई प्लान ही नहीं आया था? सबसे पहली बार यही इंट्रोड्यूस कर दिया गया? नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे प्लान आए थे, फेल हो जाते थे अलग अलग रीजन से। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे एक बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान का जो बेसिक एक अपना मोटो था, ये इंडस्ट्रीज को उठाना था। तब हमारा देश इस कंडीशन में नहीं था कि आप इंडस्ट्री पे फोकस करो और उसको चमका दो। नहीं, पहले तो यार तुम रूट में घुसो। इंडिया की रूट की प्रॉब्लम क्या थी? रूट में गरीबी है, ज्यादातर लोग गांव हैं, तो उनको कहाँ से इंडस्ट्री में घुसा दोगे? नहीं जा पाएंगे, तो नहीं चला। कभी भी अगर आप गलत चीज को एम कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता है। हमेशा देखना होगा फोकस कहाँ होना चाहिए, तभी जाके सक्सेसफुल होता है। सर्वोदय प्लान आया, गांधीयन प्लान आया, तमाम ऐसे प्लान आए, इवेंचुअली सब फेल होते गए। लास्ट में जो एक प्लान जो बिल्कुल सही चला, दैट वाज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है, ये हम लोगों ने रशिया को देख करके लिया था, ठीक है। और दूसरी बात, 5 ईयर प्लान हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, तभी इसे इतनी आसानी से नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। 5 ईयर प्लान कौन इंट्रोड्यूस किया था? कहा जाता है कि ये किसके दिमाग की उपज थी? जवाहरलाल नेहरू जी की। ओके, उन्होंने बताया कि हमारे देश में भी ऐसी 5 ईयर प्लान होनी चाहिए, जिसमें हम लोग अगले 5 साल को जो है देखें कि हमें इसमें क्या करना है, कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे भारत को आगे ले जाना है। इवेंचुअली जो पहला 5 ईयर प्लान आपके देश में आया, ये 1951 से 56 तक आया। जो आखिरी था, ये 12वां था, ये 2012 से 17 तक हुआ। 2017 के बाद से अब नीति आयोग हो गया है, ठीक है। अब हमारे देश में 5 ईयर प्लान नहीं है, अब नीति आयोग है। 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन थी जो 5 ईयर प्लान बनाती थी। ओके, अब देखो, इनमें से किसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है? गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स? क्या आंसर होगा? जल्दी आंसर करो, आपसे क्या पूछा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। तो देखो, जब मैं आपसे बात करती हूँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, तो जो गामा रेज होती हैं, इनकी हाईएस्ट एनर्जी बेसिकली, हाँ क्या कहोगे? हाईएस्ट एनर्जी होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर क्या होगा? गामा रेज। सिमिलरली जब मैं आपसे कहती हूँ कि लोएस्ट अगर पूछेगा, तो दैट वुड बी रेडियो वेव। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? मोहुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? देखो, बहुत आसान सवाल है बच्चों। जीआई टैग समझते हो? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कहीं की कोई चीज बहुत अच्छी होती है अगर उसको ब्रांड बनाना है, वहां के लोगों की मदद करनी है ऐसे करके, तो जनरल ये टैग दे दिया जाता है। जीआईआरएसटी एक्ट के द्वारा इसको दिया जाता है, जो कि दिया जाएगा डीपीआईआईटी के द्वारा। डीपीआईआईटी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो इवेंचुअली जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सबसे पहली बार जो दिया गया था दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेंट इंडेक्स किससे एसोसिएटेड है? कूपर फ्यूचर प्राइस से, क्रूड ऑयल से, शिपिंग से या गोल्ड प्राइस से? देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि खरीदना बेचना कैसे, तो ऐसे नहीं है कि मार्केट में मैं जाके चिल्ला रही हूँ अरे कोई तो तेल खरीद लो, अरे कोई तो साबुन खरीद लो, ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम्हें पता है कि एक जगह है, यहाँ पे मुझे ये मिलता है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से जब ये आती हैं तो एक कंपनीज होती हैं जो ऑयल को, जो क्रूड ऑयल को निकाल के इसको प्योरीफाई करती हैं, दूसरी कंपनी इसको बाकी प्योरीफाई करके मार्केट में लेकर के आती हैं। तो ये कंपनीज इनसे खरीदती हैं, और ये कंपनी केवल इसी कंपनी को दें या किसको दें, तो इनका अपना एक अलग एक्सचेंज होता है, जिसपे जो क्या होता है, जिसपे बेसिकली तेल को या ऐसे ही बहुत और भी कमोडिटीज होते हैं जिनको बेचा जाता है, ठीक है। तो जो बेचा जाता है, मार्केट कितनी कर रही है, मार्केट कितनी उठ रही है या क्या हो रहा है, इसके लिए इंडेक्सेस होते हैं। जो ऑयल के लिए होता है, क्रूड ऑयल के लिए, इसको अपन लोग ब्रेंट इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो अभी कुछ दिन पहले चला था, उसमें ये नाम आप लोग कई बार सुनोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा क्रूड ऑयल। इसी तरह आप लोग शेयर में पढ़ते होगे, शेयर के अलग अलग मार्केट हैं, ठीक है। तो शेयर के मार्केट में जैसे बीएसई आप सुनते हो, बीएसई में कैसा इंडेक्स होता है? सेंसेक्स होता है। एनएससी आप सुनते हो, इसमें निफ्टी होता है। तो ये सब बताते हैं मार्केट में पहले के मुकाबले मार्केट उठ रहा है, गिर रहा है, ये बताने का एक बैरोमीटर का काम करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछ रहा है किसने किताब रिलीज करी है, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? अमित शाह, हर्षवर्धन, एस जयशंकर या फिर नरेंद्र मोदी? इसका आंसर क्या होगा? एस जयशंकर। क्या देख रहे हैं अभी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। चलो अगला देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कोई भी एक बढ़ता हुआ देश जो है वो कैसा होता है? जीएनपी बढ़ रहा है कांस्टेंट प्राइस पे, जीएनपी बढ़ रहा है करंट प्राइस पे, कांस्टेंट जीएनपी है कांस्टेंट प्राइस पे, या कुछ भी नहीं? सबसे पहले ये कांस्टेंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस एक तरीके का नॉमिनल प्राइस होता है, जो अभी है, यानी बढ़ेगा घटेगा जो अभी जैसे चल रहा है वैसा है। कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब होता है जो आप लोग बेस ईयर से निकाल के इंडेक्सिंग करके बताते हो ये प्राइसेस हैं, तो ये कॉन्स्टेंट प्राइस होता है, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं बढ़ता घटता है, ये निकाल करके आराम से बताई जाती है कि हाँ बेस ईयर के मुकाबले में कैसा क्या था। करंट है जो अभी को चल रहा है, ठीक है। तो अभी के प्राइस के हिसाब से बढ़ना घटना आप नहीं बता सकते हो कि ग्रोइंग कंट्री है कि क्या है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट प्राइसेस के साथ में इनकी जीएनपी बढ़ रही है या घट रही है। जीएनपी क्या होता है बच्चों? जीएनपी का मतलब होता है जितने भी लोग, जो भी इंडियंस हैं, इनके द्वारा किया गया कमाई, जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो भारत के अंदर कोई दूसरे देश का बंदा आके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसको जीएनपी में लिया जाता है? नहीं, नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर भारतीय दूसरे देश में जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दीपिका पादुकोणे जी अगर दूसरे देश में जा करके एक मूवी बनाई ट्रिपल एक्स, ठीक है, तो इनकी कमाई को लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, वो भारत में आके एक मूवी बनाई रईस, इनकी कमाई को नहीं लिया जाएगा क्योंकि इंडियन सिटीजन। तो ये देखा जाता है कौन क्या फाइनल प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उसको जोड़ा जाता है, और ये आपका जीएनपी में होता है। तो कभी भी इन सबको अगर आप देख रहे हो और पिछले बेस ईयर के साथ में कॉन्स्टेंट प्राइसेस के साथ बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसको कहा जाता है हाँ ये ग्रोइंग कंट्री है। करंट प्राइसेस पे बोलना इतना सही नहीं होता क्योंकि करंट प्राइस आपको सही चीज नहीं बताती, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा? राइजिंग जीएनपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अगला देखो, अंजनी कुमार को अभी अभी क्रेडिट किया गया है अगला एम्बेसडर टू विच कंट्री? नाइजर, बेनिन, मॉरिटानिया या फिर बांग्लादेश? देखो अंजनी कुमार की बात कर रहे हैं, ये पहले रिपब्लिक ऑफ माली के थे, अभी फिलहाल में मॉरिटानिया के बने हैं, ओके। फिर आ सकता है मॉरिटानिया का कैपिटल और करेंसी, ठीक है। नॉकचोत याद रखिएगा, नॉकचोत, NOUK, ये कैपिटल हो जाती है। फिर मैं आपसे कहती हूँ करेंसी क्या होती है, तो आउगुइया, बहुत ही जबरदस्त नाम है सब चीज का, आउगुइया, ठीक है। जब मैं आपसे कहती हूँ एम्बेसडर टू बेनिन, अशोक आर मीरचंदानी, ठीक है, कौन हो जाएंगे? अशोक आर मीरचंदानी।
मैं अगर कहती हूँ नाइजर के कौन होंगे, तो प्रेम के नायर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश रिवा गंगुली, ओके, इन सब के नाम को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का फसल उत्सव है? त्रिशूर, पूरम, हम्पी, दयाली या पोंगल? जल्दी आंसर करिएगा फटाफट फटाफट, पता नहीं कितनी बार हम लोग करते हैं ये, मतलब ये पर्टिकुलर चीज मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने कई बार इसको कर रखी है। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ये बताओ, दियाली कहाँ, दियाली आपको दिख रहा है एक्चुअली, वो दैट इज नथिंग लाइक दियाली जो आप लोग तब से देख रहे हो, और हाँ दिवाली होगा, दियाली तो होता ही नहीं है ना, ठीक है, दैट वुड बी दिवाली, ओके। और अच्छा हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बताओ त्रिशूर पूरम कहाँ पर मनता है, ठीक है, माई क्वेश्चन वॉज, कुछ दिन पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए थे त्रिशूर पूरम के बारे में। हाँ जाहिर सी बात है यार, त्रिशूर लिखा ही हुआ है। हम्पी, हम्पी उत्सव कहाँ होगा? कर्नाटका में होता है। आपसे पूछा है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, फसल उत्सव, ये क्या होगा? पोंगल होगा। कहाँ कहाँ का फेस्टिवल है ये? तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल होता है। फिर देखो, प्रोजेक्ट नाइजर वॉज स्टार्टेड इन जिम कॉर्बेट, प्रोजेक्ट टाइगर सॉरी स्टार्टेड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1975, 78, 73 या 76? क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर्स करो। हाँ देखो, आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर रहा है। तो इसको बेसिकली भारत ने वर्ल्ड वाइड फंड के साथ में मिलकर के शुरू किया था 1973 में। 1973 में भारत ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, और प्रोग्राम शुरू करने का यही मकसद था कि जो टाइगर पॉपुलेशन है इसको मेंटेन रखी जा सके। टाइगर पॉपुलेशन बहुत चिंता वाला विषय बन गया था क्योंकि ये गिरता ही जा रहा था, तो कैसे इनको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इनको संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए लॉन्च किया गया था पर्टिकुलर प्रोग्राम। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे समय था जब टाइगर की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही थी, लेकिन फिर धीमे धीमे काम किया गया, काफ़ी बढ़ गया बताया जाता है, और खास करके जो बंगाल टाइगर्स हैं उनको सही रखने के लिए और इस पर ध्यान दिया जाता है। बताया जाता है कि भारत लगभग 80% टाइगर का घर होता है, और अभी 2018 में तो ऐसा भी नहीं है कि भारत के हालात खराब थे। 2018 की जब देखी गई थी कि कितने टोटल टाइगर्स थे, तो ये लगभग 2967 थे। जो 2018 में टाइगर सेंसस किया गया था, ये टाइगर सेंसस जो हुआ था आपका, ये बताया जाता है कि इसमें जो कैमरा ट्रैप किया गया था वाइल्ड लाइफ सर्वे का, ये अभी तक का सबसे बड़ा था। ओके, टाइगर की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये एमपी में है, इसके बाद आपकी कर्नाटका में है। ओके, एग्जाम में एक बार आपसे सेकेंड नंबर का स्टेट पूछा था जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, तो दैट वुड बी कर्नाटका, फर्स्ट पे एमपी। चलो, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 1973। अब आपसे पूछ रहा है, इनमें से किसने लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है फाइव स्टार विलेज? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नीति आयोग, ट्राइबल अफेयर या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए सब लोग, फिर मैं यही कहूंगी कि हाँ सवाल आसान है, सवाल मतलब डूएबल है, जो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। जल्दी 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 आंसर करो। हाँ सही बता रहे हो, ठीक है। देखो, एक तरीके से ना पब्लिक अवेयरनेस और जो भी पोस्टल प्रोडक्ट हैं, इनसे ज्यादातर लाया जा सके, करीब लाया जा सके विलेजेस को, इसके लिए जो है ना ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है। वर्ल्ड पोस्टल डे कब होता है? 10 अक्टूबर। भारत में कब मनाया जाता है बताना? एक और बात, ये पोस्टल डे को मनाने के लिए महाराष्ट्र ने अपने वहां पे सावंतवाड़ी टॉय पोस्टल पिक्चर रखा था, जो वो अभी रिलीज कर रहे थे, जो वहां की महाराष्ट्र सर्कल ऑफ पोस्ट है, उन्होंने अपने पोस्ट कार्ड पर पिक्चर पोस्टर रखवाया था सावंतवाड़ी टॉय, क्योंकि वो वहां के फेमस है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो खैर, इसका आंसर क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ताकि लोगों के अंदर जागरूक किया जा सके और लोग जुड़ सके पोस्टल सर्विसेज से। ओके चलो, फिर ये रखते हैं आज के सेशन को, ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो, लव यू पीपल, बाय बाय।